पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। खुलते ही एक और ऑल टाइम हाई इस भारतीय बाजार लगाएंगे। प्री ओपनिंग ट्रेड आपके सामने 10,650 के पास निफ्टी कारोबार करता हुआ प्री ओपनिंग सेशन में, और देखिए कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। कोल इंडिया प्राइस हाइक की खबरें जो सीएनबीसी आवाज ने आपको करीब 15 दिन पहले दी थी, देखिए अब वो आती हुई। कल भी अच्छी रैली देखी गई थी, प्री ओपनिंग ट्रेड में 2% मजबूती के साथ खुल रहा है। आईटीसी पर कोई खराब असर शायद ना देखने को मिले, प्री ओपनिंग ट्रेड तो अब तक यही सुझा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन हैं वो सही नहीं है, 85% पैकेट के डिब्बों के ऊपर वार्निंग तो पिक्टोरियल होनी ही चाहिए, पर तो यहाँ पर कोई चिंता की बात नजर आ नहीं रही है। ONGC जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सन फार्मा के लिए आज फिर एक अच्छी खबर, तो ये भी मजबूती के साथ खुलने के मूड में। SBI बॉन्ड्स के जरिए पैसे जुटाने की योजना पेश करी है, तो यहाँ पर भी मजबूती हो सकती है। रुपया बिल्कुल फ्लैट खुलता हुआ नजर आ रहा है, और एशियाई बाजारों पर नजर रखिएगा क्योंकि ये जो तेजी दिखा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। हांगकांग के बाजार देखिए, जापान का बाजार देखिए, क्या जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार में एक दिन के बाद जो कारोबार की शुरुआत हुई, देखिए बढ़िया कारोबार होता हुआ नजर आया, तो एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। एक बार हांगकांग का मार्केट लाते हैं और देखिए ये सारे संकेत दिखा रहे हैं कि बढ़िया तेजी भारतीय बाजारों में आज फिर देखने को मिलने वाली। जी हाँ, इनफैक्ट हाईज, रिकॉर्ड हाईज इनफैक्ट हांगकांग, US और भारतीय बाजार सभी बना रहे हैं, और देखना होगा कि कितना मोमेंटम देखने को मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ कोर्स रेडार पर रहेंगे, जहां पर कल जोश था, आज हम फॉलो थ्रू करेंगे कि क्या वो तेजी का सिलसिला जारी रहेगा या नहीं। खासकर फाइनेंशियल्स, और फाइनेंशियल को लेकर आप देखिए NBFCs ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनियों पर काफी रिपोर्ट्स आ गई है। ICICI प्रूफ पर जैसे हम पहले भी आपको बता रहे थे, वागले साहब बुलिश है। ICICI लोम्बार्ड भी अब कवरेज में आ गया है कुछ FII ब्रोकरेजेस की ओर से। तो ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे जो फोकस में रहेंगे। देखेंगे यहाँ पर किस तरह का एक्शन ओपनिंग पर देखने को मिलता है। ICICI प्रूफ ऑफकोर्स प्री ओपन में संकेत दे रहा है कि मजबूत शुरुआत होगी, करीब करीब 1% ऊपर खुला है। ICICI लोम्बार्ड में कुछ खास एक्शन नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट जिस पर ध्यान देना चाहिए, मैक्स इंडिया फोकस में रह सकता है, क्योंकि मैक्स हेल्थ केयर में जो लाइफ हेल्थ है वो हिस्सेदारी बेच सकती है, और रेडियंट ग्रुप से बातचीत शुरू हो रही है। अब मैक्स इंडिया और लाइफ हेल्थ दोनों मैक्स हेल्थ केयर में हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, तो इसका इंपैक्ट जरूर आ सकता है। TPG जैसे प्लेयर्स भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस पर। सेठी साहब, आप अपनी राय दीजिए, क्या एक अपॉर्चुनिटी रहेगी मैक्स इंडिया में किसी तरह के फेवरेबल ट्रेड की? नहीं बिल्कुल, बट चूंकि ये न्यूज ऑलरेडी बाजार खुलने के पहले ही आ चुकी है, तो जो स्टॉक है वो गैप अप ही खुलना चाहिए। फिर गैप अप खुलने के बाद मुझे नहीं लगता कि वहां पे फिर ट्रेड करने की कोई अपॉर्चुनिटीज रहेगी, बट जिन्होंने लिया हुआ वो इस न्यूज को फुल्ली इंप्लीमेंट होने तक बिल्कुल राइड कर सकते हैं, उनके लिए सलाह रहेगी कि वो होल्ड करके रखें। इस स्टॉक पर रखिए नजर, सन फार्मा। कल का जो स्टार सेक्टर था वो फार्मा सेक्टर था, और आज भी खबरें अच्छी आई हैं। वागले साहब, कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे सन फार्मा के लिए रिवाइज्ड? हेमंत, 580 का स्टॉप लॉस एज अ ट्रेडर मैं रिकमेंड करूंगा, उसके नीचे जाएगा तो फिर 560 भी जा सकता है। ऑन द अपसाइड 610-615 तक के मुझे ट्रेडिंग टारगेट्स दिखते हैं 2-4 दिनों में। ठीक है, तो ये फिलहाल सन फार्मा पर राय। आरती ड्रग्स और SJVN दोनों कंपनियां फोकस में है बायबैक के चलते। आरती ड्रग्स ऑफ कोर्स प्रमोटर्स भी याद रखिएगा पार्टिसिपेट करेंगे उस बायबैक में। बायबैक की प्राइस 875 है, स्टॉक देखिए 5% ऊपर खुला है। SJVN का जो बायबैक प्राइस है इसमें करीब 38.75 का कोट आया है। स्टॉक मेरे ख्याल में कल 37.50 के आसपास जाकर टिका था। कुणाल, आप अपनी राय दोनों काउंटर्स पर दीजिए। आरती ड्रग्स क्या और पोटेंशियल तेजी का दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है आरती ड्रग्स में डेफिनेटली भाषता और थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। अगला चार्ट पर जो रेजिस्टेंस है वो 820 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि और यहां से 10% की तेजी यहां पर बन सकती है। SJVN मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए इसमें कुछ आपको कमजोरी देखने को मिलेगी, उसकी वजह यह है कि 37-37.5 के आसपास चार्ट्स पर भी रेजिस्टेंस है, और क्योंकि बायबैक प्राइस के अब ये बहुत करीब आ चुका है तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर इसमें जाते हुए दिखाई देगा। तो फिलहाल मुझे लगता है SJVN अगर आपके पास है तो निकल जाना चाहिए आरती ड्रग्स में, और वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आरती ड्रग्स में 725 के आसपास रखना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय बा इन दोनों ही शेयरों पर। कोल इंडिया लेकिन रहने वाला आज का स्टार परफॉर्मर, 4% की तेजी के साथ, कल भी 3% की तेजी। देखिए 300 रुपये का लेवल बड़े दिनों बाद नजर आ रहा है, अब डर यही कहीं सरकार OFS की बात ना करनी शुरू कर दे। लेकिन क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है कोल इंडिया के स्टॉक में, तो प्री ओपनिंग ट्रेड्स में ये स्टॉक काफी मजबूत
मजबूती के साथ। लेकिन कौन से स्टॉक्स आज आपको सुझाए गए स्टॉक 2020 के कप्तान द्वारा, मैंने और नीरज ने कौन से शेयर आज अपनी टीम में शामिल किए थे, आइए आपको दिखाते हैं उसका एक अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला जो सेक्टर है वो ऑटो सेक्टर होगा। नई स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर सरकार तेजी से विचार कर रही है और अब जल्द उसका अनाउंसमेंट अगर आ जाता है 15 से 20 साल से पुराने ट्रक्स और बसेस को अलाउ नहीं किया जाएगा सड़कों पर, इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। पुरानी बसेज और ट्रक्स हटेंगे और नए की डिमांड आएगी, इसीलिए अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस करने वाली कंपनियां श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, M&M फाइनेंशियल जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का DVR भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, इसलिए आज ऑटो और ऑटो फाइनेंस कंपनियों के ऊपर काफ़ी बुलिश है हमारे सिलेक्टर्स। और नज़र होनी चाहिए मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स पर, अब से लेकर बजट तक ऑल कार्गो, VRL लॉजिस्टिक्स जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और कई शेयरों ने, लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स ने पिछले साल सुस्ताने के बाद अब नए 52 वीक्स हाइज लगाने शुरू कर रहे हैं, तो इस सेक्टर के ऊपर नजर रखिएगा। और नजर रखिएगा ड्रिलिंग से जुड़ी हुई कंपनियां, ऑफशोर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर, और कच्चे तेल में जिस तरह से पिछले साल और इस साल में देखिए 20% की रैली देखी जा चुकी है, कच्चे तेल की तेजी अगर और बढ़ेगी तो ये ड्रिलिंग से जुड़ी हुई कंपनियां जिंदल ड्रिलिंग, महाराष्ट्र सीनलेस जो पाइप्स बनाने का कामकाज करती हैं, इनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। खरीदारी पे ही फोकस ज्यादातर रखा, लेकिन शुरू के तीन शेयर आप देखेंगे बिकवाली वाले हैं। ITC गॉडफ्रे फिलिप्स में बेच के चले, क्योंकि पिक्टोरियल वार्निंग का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। NMDC में OFS है, आज प्राइस नीचे है तो वहाँ बिकवाली करिए। सीमेंस को एक ऑर्डर मिला है रेलवे मेट्रो इलेक्ट्रीफाई करने का गुजरात से अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच में। आरती ड्रग्स का बाईबैक प्राइस आया है। HCL इन्फोसिस में प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ाई, साथ ही रिस्ट्रक्चरिंग खबरें। सतलज टेक्सटाइल एक नया प्लांट लगा रहा है JNK में, और श्री क्लास्टी पाइप्स में भी एक अच्छी तेजी बन रही है। QIP वासे लगातार इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। HOCM नजर रखिए, बॉम्बे हाई में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की पूरी उम्मीद दिख रही है यहाँ पे। और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जिसमें हाल फिलहाल में बहुत अच्छी तेजी बन रही है। तो ये है वो स्टॉक्स जो दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रो स्टील, स्टील यहाँ पर वेदांता खरीदना चाहती है इस कंपनी को, इस पर नजर रखिए। SRI इंफ्रा पर नजर रखिए, 3% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट ने इसको पिक के तौर पर भी चुना था, विकास सेठी जी की पिक थी ये। सेठी जी, कच्चे तेल में जो तेजी देखने को मिल रही है, आज नीरज की टीम में HOEC था इस शेयर पर राय, और कोई और स्टॉक अगर आपको पसंद हो इस सेगमेंट में, ऑफशोर कंपनियां लगातार ये भी 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छूती जा रही हैं, इनमें से आपको क्या पसंद है? नहीं बिल्कुल हेमंत, अगर मुझे एक स्टॉक चूज करना पड़ता जो कच्चे तेल के उबाल से जिसको फायदा होगा, तो मेरी राय में भी हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन ही रहता, क्योंकि एक तो इसका फंडामेंटल इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो मिलेगा, और कल जिस तरह से इसमें एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखा गया, मुझे लगता है डेफिनेटली वो रैली आज भी कंटिन्यू रहनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन में डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए, अगर कोई गिरावट आती है तो नया निवेश कर सकते हैं, और जिन्होंने लिया हुआ वो बिल्कुल बने रहना चाहिए उनको। तो L&T और L&T फाइनेंस होल्डिंग, L&T फाइनेंस होल्डिंग बागले साहब का पिक था, और L&T ने भी बहुत गजब का प्रदर्शन दिखाया। कुछ देर पहले सोनम हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो बता रही थी क्रेडिट स्वीस को M&M, L&T, टाटा स्टील पसंद है। सुमिता, किस तरह की रैली यहां पर कंटिन्यू हो सकती है L&T में? कई दिनों से देखिए इस स्टॉक ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाना शुरू किया है, आपकी राय L&T पर बताइए सर। हेमंत, मेरे लिए सवाल है जी, आप ही के लिए सुमित जी। बिल्कुल बिल्कुल, L&T देखिए, ये स्टॉक ने एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तेजी कंसोलिडेट ब्रेक करके तेजी स्टार्ट करी है, और ये कंसोलिडेशन का रेंज का जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट बहुत अच्छे ऊपर में निकल के आ रहे हैं। 1270 के बाद जब ये मूव करना स्टार्ट किया है तो ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपए का मूव दिखा चुका है, बट अभी भी ये स्टॉक में और पोटेंशियल है, कम से कम 100 से 150 रुपए अपसाइड देने का, यानी 1400 रुपए इमीडिएट टारगेट होंगे, और शायद ये ऊपर में हमें इस बार 1500 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। 150 रुपए की तेजी आप L&T में आने वाले समय में प्रेजेंट लेवल से मान के चले, शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली 1400 रुपए तक के लेवल्स हमको L&T के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस L&T के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। बाय चांस कोई वॉलेटिलिटी के चलते अगर प्रेजेंट लेवल से 20-30 पॉइंट की गिरावट मिलती है तो वो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 1300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करें, 1400 एंड 1500 के टारगेट्स आने वाले कुछ ही समय में।
ओके, तो ये फिलहाल राय एलएनटी पर. इनफैक्ट पोटेंशियल तो काफी है और कैपिटल गुड स्टॉक्स में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में काफी हरकत हुई है. एक स्टॉक जिसका आज ओएफएस खुलेगा, कल इनफैक्ट रिटेल निवेशक इसमें पार्टिसिपेट करते दिखाई देंगे. आज ऑफकोर्स ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए ओएफएस खुल रहा है. 158.30 के प्राइस पर ओएफएस लेकर आ रहा है एनएमडीसी. और देखिए स्टॉक 156 के आसपास ट्रेड करता हुआ. पागले साहब, इस पर आपकी राय क्या है, क्योंकि 3.5% इनफैक्ट नीचे खुला है ये काउंटर. हर्षदा, पिछले 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन में ये 135 से 160 प्लस मूव आई है और ये मुझे लगता है ये करेक्टिव मूव है. लेकिन इसका वीकली मंथली पैटर्न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. ऑन अ करेक्टिव लेवल नियरर 155 to 150 मेरी बाय की रिकमेंडेशन होगी 6 से 12 महीने के व्यू से. और मुझे लगता है ये एक साल अगर आप लेते हो तो 250 तक के मुझे अपसाइड टारगेट्स दिखते हैं. ऑलराइट, चलिए तो गिरावट में मौका है. पागले साहब के चार्ट्स पर संकेत आ रहे हैं और आज 3.5% नीचे इसलिए खुल रहा है क्योंकि ओएफएस का फ्लोर प्राइस कल के प्राइस से 5% डिस्काउंट पर रखा गया था. लेकिन एक ग्रुप जो बहुत विवादों में है, सेठी जी आपकी राय जानना चाहता हूँ, वो है जेपी ग्रुप. हालांकि जेपी एसोसिएट्स एफएनओ के बैन में है. अच्छा, वो खाट भी देखिए एफएनओ के बैन में आ गया. हम कल कह रहे थे आज जिस हिसाब से तेजी हो रही है ये एफएनओ के बैन में आ जाएगा. तो वो खाट एफएनओ के बैन में है, जेपी एसोसिएट्स एफएनओ के बैन में है. आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और आरबीआई कह रहा है कि हमें आगे बढ़ने की मंजूरी मिल जाए इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स को आगे ले जाने के लिए. आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? एक तरफ जो फ्लैट के ओनर्स हैं वो कोर्ट में पहुंच गए कि इंसॉल्वेंसी हो गई तो हमें पैसा कैसे मिलेगा, और दूसरी तरफ आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी है. जेपी एसोसिएट्स पर राय दीजिए सेठी साहब. देखिए हेमंत, ये जो पूरा ग्रुप है इनके सभी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी बनी रिसेंट दिनों में. बट ये जो आरबीआई ने जो अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, डेफिनेटली नेगेटिव है पूरे ग्रुप के लिए. तो आज इसका एक निजक नेगेटिव रिएक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा. बट इसका आउटकम क्या आता है उसको देखने की जरूरत रहेगी. बट ऐसे भी मुझे लगता है इस ग्रुप के स्टॉक्स जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं उनके लिए ही रहेंगे. निवेशकों को मेरी राय में इन स्टॉक्स में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इन स्टॉक्स. तो इस पर नजर रहेगी आज ये कितना गिरता है प्री ओपनिंग ट्रेड में. आप देखिए कमजोरी के साथ ये खुलने के संकेत दे रहा है. तो जेपी ग्रुप रहेगा आज एक्शन में साफ तौर पर. लेकिन आप देखिए बाजार खुलने वाला और खुलते ही नया ऑल टाइम हाई लगाएंगे. 10,631 का ऑल टाइम हाई कल लगा था इंट्रा डे में और आज शुरुआत हो रही है 10,645 पर. तो जश्न है भारतीय बाजार और ये देखिए एक और नया रिकॉर्ड स्तर छूता हुआ. करीब करीब 70-80 अंक ऊपर सेंसेक्स ने शुरुआत करी है और मिड कैप इंडेक्स में भी 1/4% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है. बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा है. कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स देखिए भागते हुए 5% की जबरदस्त तेजी के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ, इसीलिए क्योंकि प्राइस हाइक जिसका बाजार को इंतजार था, जो सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी, वो आती हुई. सन फार्मा, हमने कल भी आपको बताया था तेजी हो सकती है. कल टॉप 5 निफ्टी गेनर्स में ये स्टॉक शामिल हुआ था और देखिए आज भी मजबूती के साथ खुला 1% ऊपर. प्राइवेट बैंक्स पर रखिएगा नजर क्योंकि बैंक निफ्टी ने चाल देनी शुरू कर दी है. कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई. यस बैंक में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है और पीएसयू दिग्गज एसबीआई ने भी खुलते ही दमदार प्रदर्शन दिखाना शुरू करा है. M&M और बाकी सारी ऑटो कंपनियों के ऊपर रखिए नजर. M&M में देखिए तेजी होती हुई नजर आ रही है. टाटा मोटर्स और उसके DVR के लिए भी खबर पॉजिटिव की स्क्रैपेज पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो सकता है. 15 से 20 साल के ट्रक्स और बसेस को सड़कों से दूर रखा जाएगा, नहीं उनको अलाउ किया जाएगा और इसके चलते डिमांड बनेगी. अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स भी आज फिर एक्शन में रहने चाहिए. नजर रखिए जेपी एसोसिएट्स पर. आरबीआई ने क्योंकि मंजूरी मांगी है और मंजूरी अगर मिल जाती है तो दिक्कत हो सकती है. और आप देखिए जेपी एसोसिएट्स 6% नीचे खुलता हुआ. एनएमडीसी में ओएफएस के चलते 4% की गिरावट देखने को मिल रही है. वो खाड एफएनओ के बैन में आने के बाद देखिए कूल ऑफ होता हुआ 1% नीचे इस स्टॉक ने शुरुआत कर दी है. साथ ही कोल इंडिया, एसआरिया इंफ्रा दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए और अशोक लेलैंड जिसका जिक्र हम कर रहे थे, क्या तेजी देखने को मिल रही है इन सारे के सारे ऑटो शेयरों में. जी हाँ, काफी मोमेंटम उन स्टॉक्स में. कुछ और काउंटर्स रेडार पर रखिएगा. आरती ड्रग्स, क्योंकि बायबैक 875 रुपए पर होने वाला है. याद रखिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो लेकिन कम होगा, तो अगर आप भरपूर पोजिशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए. 6% ऊपर खुला है ये काउंटर. बॉम्बे डाइंग में मोमेंटम कल
दोपहर में देखने को मिला था वो फॉलो थ्रू होता हुआ इस काउंटर में करीब 2.5% तक का उछाल है। साथ ही शेल्बी जो रीसेंट लिस्टिंग थी उसके नंबर्स मेरे ख्याल में आज आने वाले हैं और उससे पहले कल भी मोमेंटम था, आज भी करीब करीब 2% ऊपर है। शोभा डेवलपर्स कल बाजार खुलने पर काफी तेजी में था और बाद में कुछ करेक्शन आया लेकिन आज फिर मजबूत शुरुआत होती हुई शोभा के साथ साथ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी हम देख रहे हैं खरीदारी की पोजिशन आती हुई दिखाई दे रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 1% ऊपर, वागले साहब की पिक है ये आज की। इसके अलावा एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में 1.5% का उछाल। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी देख लेते हैं क्योंकि कुछ एफआईआर ब्रोकरेजेस को ये स्टॉक भी पसंद आने लगा है, क्या वहां पर भी तेजी के साथ ही शुरुआत हुई है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ आपकी स्क्रीन पर आता हुआ जहां पर आज मोमेंटम देखने को मिला। तो इंश्योरेंस कंपनियों पर अब ऐसे भी लॉन्ग टर्म निवेशक काफी पॉजिटिव थे और इन स्टॉक्स में अब हम देख रहे हैं इंटरेस्ट आ रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हाउएवर 3% नीचे खुला है आज के ट्रेड में। ये कुछ काउंटर्स जहां पर एक्शन आज के सत्र में जरूर बनता दिखाई दे रहा है। कुछ सेल साइड की पोजीशंस जेपी ग्रुप में ऑफकोर्स देखने को मिली। एसजेवीएन उस बायबैक की प्राइस से बाजार इतना कुछ खुश नहीं है, 3% नीचे ये काउंटर। आरसीएफ में मैं देख रही हूँ कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली शुरू होने लगी है, 1% नीचे। इनफैक्ट दीपक नाइट्रेट देख लेते हैं क्योंकि दीपक नाइट्रेट पर इडलवाइज कुछ बुलिश हुआ है, 360 का टारगेट आया है, देख लेते हैं किस तरह की शुरुआत इस स्टॉक की हुई है। 4 रुपए ऊपर करीब 1.5% का उछाल देखने को मिला। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मोमेंटम प्ले है। 10,642 ये दिन का हाई है और उसको छूने के बाद 10,637 के आसपास इस समय ट्रेड, लेकिन 82 अंकों की बढ़त सेंसेक्स पे। और मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा सा शांत है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के मुकाबले, मेरे ख्याल में टाइम लगेगा इसको और पिकअप करने के लिए, फिलहाल 45 पॉइंट ऊपर। बिल्कुल, तो रिकॉर्ड स्तर बने हैं 34,400 का स्तर के ऊपर, देखिए सेंसेक्स कारोबार करता हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ, बैंक निफ्टी में वो पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रहा है। स्टार तो कोल इंडिया ही है आज का, अशोक लेलैंड दूसरा शेयर। सुमित जी, अशोक लेलैंड क्या और अच्छा दौड़ लगा सकता है, आपकी राय बताइए। विकास सेठी जी की तो टॉप पिक थी ये, खबरें तो पॉजिटिव ही आई आज। बाय में रहना चाहिए स्टॉक के अंदर, ये स्टॉक एक अच्छा तेजी दिखाएगा क्योंकि स्टॉक ने बहुत बड़ा साइडवेज ट्रेंड दिखाने के बाद तेजी स्टार्ट करी है और ये स्टॉक अभी इमीडिएटली जैसे ही 134-135 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहां से मान के चले कि ये स्टॉक के अंदर हमें आने वाले समय में 140-150 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस अशोक लेलैंड के अंदर होल्ड करके चलना चाहिए और 134-135 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी। ऊपर में 140 का इमीडिएट पड़ा होगा, फिर 150 तक के लेवल सबको अशोक लेलैंड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कुणाल साहब, आपको पसंद है क्या अशोक लेलैंड? हेमंत, पसंद है बट थोड़े से हम या तो हम बहुत जल्दी एंटर किए थे या थोड़ा सा मुझे लगता है कि यू नो 110-112 से हम बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। एक 125 वगैरह आता है, मुझे लगता है 140 तक के लेवल्स पोजिशनल तौर पे बैठते हैं अभी भी। ओके, ये फिलहाल राय अशोक लेलैंड पर। देखिए मोमेंटम तो है इस काउंटर में, साथ ही प्राइस एक्शन दिख रहा है कैपिटल फर्स्ट में एक बार फिर। स्टॉक देखेंगे करीब 1.5% ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट में इतनी एक्टिविटी नहीं है जितनी कल देखने को मिली थी। कुणाल, अब क्या ट्रेड होगा कैपिटल फर्स्ट आईडीएफसी बैंक आईडीएफसी में? देखिए मुझे लगता है कैपिटल फर्स्ट में अभी भी कुछ और अपसाइड बन सकता है हर्षदा, मुझे लगता है 820 तक के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे, वही चार्ट्स पर बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कल के क्लोज के आसपास यानी कि 770 पर स्टॉप लॉस रखें तो 810-815 इसके लिए टारगेट होगा, मुझे लगता है खरीद करके चलना चाहिए। आईडीएफसी बैंक मुझे लगता है कि इन स्तरों पर रुक जाएगा तो बहुत बड़ा अपसाइड मैं वहां एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैपिटल फर्स्ट डेफिनेटली अभी भी होल्ड किया जा सकता है। बाजार ऊपरी स्तर से हल्के होते हुए आप देखिए बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलते ही पहुंचा और अब लाल निशान में फिसल गया। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में आ गया, निफ्टी भी लाल निशान में फिसलता हुआ नए ऑल टाइम हाईज लगाने के बाद। तो जो पुटकॉल रेशो है वो चिंता की बात है 1.6 के ऊपर, और शायद यहां पर देखिए इसीलिए लोग मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पर करना सही समझ रहे हैं। कौन से स्टॉक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस गिरावट में उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और आप देखिए आज कमजोरी हो रही है जेपी ग्रुप की, तो हमने बात करी दी थी वो खाड़ जैसे स्टॉक्स में, जाहिर सी बात है कल की जबरदस्त रैली के बाद एफएनओ के बैन में आने के बाद ये शेयर नहीं चल रहा है। माइंडट्री जैसे स्टॉक्स जो कल के परफॉर्मेंस थे वहां पर लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। आर पावर, आर कैप, एडीएजी पूरा का पूरा पैक देखिए दबाव में कारोबार करता हुआ और इसने भी बहुत ही जबरदस्त रनअप दिखाया है। रिलायंस नेवल देख लीजिए कमजोर है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, तो आज हाई बीटा शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना चाहते हैं किसी में क्या सुमित? वैसे आर कैप
तो एफएनओ के बैन में है, आरकॉम भी बैन में है, बैन से निकला है, पावर ही केवल बैन से निकला और निकलने के बाद चल नहीं पा रहा है क्योंकि बाजार में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। रिलायंस नेवल या कोई और या एडीएजी स्पेस पर राय बताइए इस समय, सुमित आपकी क्या है? देखिये ये सारे स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी वॉलिटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले एक बार सेल साइड का आइडिया ले लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हेवल्स और वोल्टास के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, तो एक हेवल्स के अंदर सेल साइड का व्यू लेके चला जा सकता है। 557 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 565-567 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। दो से तीन बार स्टॉक ने ऊपर में रेजिस्टेंस भी फेस किया हुआ है, ऐसा लगता है कि हेवल्स के अंदर 545 और फिर नीचे में हमें 530 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सेल साइड के लिए सबसे पहले हेवल्स को सिलेक्ट करें, बाकी फिर आपने रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस नेवल, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, ये पांचों ही स्टॉक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है और पिछले कई दिनों में हमने अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखी है। प्रेजेंट लेवल्स पे एक बार के लिए बाइंग अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि शायद इन स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा और यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से एक बार बाइंग अवॉइड करें इन चारों पांचों स्टॉक्स के अंदर। चलिए तेजी की पोजीशन से तो दूर ही रहे, लेकिन आज देखिए बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। 1-1% फिसल चुके हैं एडीएजी काउंटर्स, हाई बीटा स्टॉक्स पे फिर दबाव आया है। बैंक्स लेकिन मूड बिगाड़ रहे हैं और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 54 अंकों की गिरावट है और देखिए दिग्गजों का क्या हाल है। येस बैंक 330 पर आ चुका है, 1% गवा चुका है ये काउंटर। पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक में भी दबाव आता हुआ, आईसीआईसीआई बैंक 0.5% नीचे। तो ये इनफैक्ट वो वीक विकेट है जो बाजार के मूड को बिगाड़ रही है। बागले साहब, यस बैंक 1% और टूटेगा? हर्षदा, ब्रेकडाउन अभी चालू हुआ है, वो लेवल है 332.50 या 332 पकड़ ले, इसके नीचे ट्रेड होता है तो मुझे लगता है ये 320 तक जाएगा। एक 335-350 के स्टॉप लॉस से बेचे, 318-320 के टारगेट के लिए आज से कल तक का व्यू है। IDFC बैंक और IDFC इन पर नज़र रखी गई क्योंकि कल सबसे अच्छे जो शेयर कल भाग चुके हैं वहां पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर यही ट्रेड है और इन बैंकों की तरफ से जो बात आई है, IDFC की तरफ से जो बात आई है कि ऐसी अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है, मर्जर की रिपोर्ट स्पेकुलेटिव थी, तो इन स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र। नीचे की तरफ ये शेयर भागते हुए, लेकिन बैंक निफ्टी पर एक सपोर्ट बताइए कुणाल, कहां ले सकता है सपोर्ट बैंक निफ्टी पर? और ज्यादा फिसल सकता है या जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी? 100 पॉइंट ऊपर के बाद देखिए 140 पॉइंट इस समय नीचे, तो डेज हाई से तो 140 पॉइंट की कमजोरी हो चुकी है बैंक निफ्टी में। देखिए इमीडिएट सपोर्ट की बात करें हेमंत, तो मुझे लगता है 25,500 पर इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी में है और सबसे अहम सपोर्ट जो है वो 25,350 पर है। तो जब तक 25,350 के ऊपर बैंक निफ्टी है तो मुझे लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेड यहां देखा जाएगा। बैंक निफ्टी ने वैसे भी अगर आप देखें तो निफ्टी को बहुत समय से अंडर परफॉर्म किया है। मुझे लगता है 10,350 से लेकर के 25,350 से लेकर के 25,800 तक की रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा कुछ दिनों की। ओके, तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी पर राय, एक दायरेमंद ट्रेड देखने को मिलेगा, लेकिन देखिए दबाव तो बढ़ रहा है। महिंद्रा हॉलीडेज अब 2% नीचे, शेल्बी में बिकवाली हावी, जेएमआर इंफ्रा कल आपको याद होगा एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था स्टॉक में, यहाँ पर एक करेक्टिव मूव शुरू होने लगा है और फोर्टिस जैसे काउंटर्स फिर पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेएमआर इंफ्रा, जीवी के पावर दोनों ही कल काफी एक्टिव थे। वागले साहब, पोजिशन काटेंगे आप? हल्की सी वीकनेस है, जेएमआर अगर 21 ब्रेक करता है तो मैं समझूंगा कि टॉप बन गया और नीचे थोड़ा डाउनसाइड है। वही लेवल जीवीके के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, 21 के नीचे। जीवीके थोड़ा सा बेटर पैटर्न वाइज स्ट्रांग लगता है, जीएमआर हल्का सा वीक है, बट अभी भी इतना वीकनेस नहीं है कि वन वे क्रैक हो। जेएमआर इंट्रा एफएनओ के बैन में भी है, बाजार थोड़ा सा स्टेबल होते हुए आप देखिए, एक सेलिंग बाउट आया और उसके बाद अब थोड़ा सा संभलने के मूड में बैंक निफ्टी। देखिए अब निचले स्तरों से रिकवर करता हुआ निफ्टी भी हरे निशान से लाल निशान में फिसलने के बाद देखिए वापस से हरे निशान की तरफ दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। गेल जैसे स्टॉक्स देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, M&M में तेजी देखने को मिल रही है। विकास जी M&M, अच्छा विकास सेठी जी नहीं है हमारे साथ, तो कुणाल जी M&M बताइए, M&M क्या अब से लेकर बजट तक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और आपके टारगेट्स क्या होंगे इस पर? आज क्रेडिट स्विस भी कह रहा था कि L&T, M&M, टाटा स्टील ये उनको टॉप 3 फेवरेट्स नजर आ रहे हैं।
देखिए अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स को असेस करें हेमंत, तो मुझे लगता है कि एक 740 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट आया है जो कि काफ़ी मीनिंगफुल है। तो मुझे लगता है कि जो डेप्थ है प्रीवियस कंसोलिडेशन की, अगर उतनी तेजी भी आपको M&M में आते हुए दिखती है तो कम से कम 830-840 के लेवल्स यहां पर आते हुए दिखाई देंगे। तो मैं काफ़ी बुलिश हूं इस काउंटर को लेकर। मुझे लगता है 740 के आसपास एक मीडियम टर्म स्टॉप लॉस रखें, तो इसके लिए टारगेट जो है वो 830-840 का होगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। M&M पर मोमेंटम थोड़ा बहुत है इस काउंटर में बना हुआ, 0.5% ऊपर। इनफैक्ट जो आप रिकवरी की बात कर रहे थे हेमंत, जेपी एसोसिएट्स का स्टॉक लेकर आएंगे स्क्रीन पर, 7% नीचे दिखेगा। इनफैक्ट काफी तेजी से टूटा लेकिन निचले लेवल से आ गई है करीब 2-2.5% की रिकवरी, तो कुछ निचले लेवल्स पर यहाँ पर एक्शन लौटता हुआ दिखाई जरूर दिया है। जेपी ग्रुप के पूरा पैक इनफैक्ट रेडार पर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा रिकवरी में टाटा स्टील का भी हाथ है, टाटा मोटर्स में भी हम देख रहे हैं अब 1% का मूव आ चुका है, और एक्सिस बैंक इनफैक्ट सहारा दे रहा है। एक्सिस के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से भी कुछ सपोर्ट मिला है, इसीलिए बैंक निफ्टी जो अच्छी गिरावट दिखा रहा था अब सिर्फ 5 पॉइंट नीचे है। दोनों पर आप अपनी राय दीजिए वागले साहब, कोटक और एक्सिस। हर्षदा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, कोटक इज रिलेटिवली वन शेड बेटर, लेकिन मैं भी अभी भी वेट करूंगा 1823 के ऊपर क्रॉस करने के लिए। अभी भी 10 रुपए ऊपर 1% आने दो, फिर हम बात करेंगे। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि मैं बोलूं कि बहुत वीक है, ना कोई स्ट्रेंथ है, तो थोड़ी सी आई थिंक क्लैरिटी इमर्ज होने दीजिए, फिर हम। अच्छा, अरविंद में क्लैरिटी आपको दिख रही है क्या? देखिए अरविंद, सेंचुरी टेक्सटाइल, रेमंड, तीनों में बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली है, और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो अरविंद में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे के सारे शेयर देखिए, बाजार देखिए ऊपर से नीचे आया, और इन सारे शेयरों में और टेक्सटाइल सेक्टर के तीनों F&O के काउंटर्स में तेजी है। अरविंद सबसे बेटर नजर आ रहा है, फिर सेंचुरी और फिर रेमंड। आपके चार्ट्स पर आपको क्या बढ़िया लग रहा है ये बताइए हेमंत। अगर कोई स्टॉक लेना है अरविंद तो वो है अरविंद, और आपका स्पॉटिंग या पिक स्टॉक पिक बिल्कुल सही है। आज का ओपन और लो लगभग सेम है जो हम नॉर्मली ट्रैक करते हैं, और एक अहम रेजिस्टेंस है जो मल्टीपल स्विंग हाई जिसको हम बोलेंगे वो 456 है, उसको कन्विंसिंगली क्रॉस किया है। तो 456 के स्टॉप लॉस से बाय करें, मैं समझता हूँ 470-472 तक एक से दो दिन में जा सकता है। 4 रुपये रिस्क, 10-12 रुपये रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप अरविंद में बिल्कुल बैठता है, और मार्केट ऐसा वीक नहीं है, सही है, थोड़ा अनडिसाइडेड है। नहीं, ठीक बात भी है। डाउ ने भी देखिए ना, रिकॉर्ड सर छूने के बाद 12-15 पॉइंट की सुस्ती दिखाई है, लेकिन कमजोर वहां के मार्केट्स भी नहीं है, और भारतीय बाजार भी लगातार ऑल टाइम हाईस बना रहे हैं। आज भी देखिए ऑल टाइम हाई तो लगाई है, तो मायूसी किस बात की। ये बताइए सुमित जी, अरविंद क्या आपको भी अच्छा लगता है, और अगर सेंचुरी पसंद है तो वो भी बताइए, सारे ही शेयर बढ़िया कर रहे हैं आज तो। अरविंद, रेमंड और सेंचुरी तीनों ही स्टॉक एक अच्छे हैं, और टेक्सटाइल के अंदर हमें तीनों ही स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को भी मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तीनों ही स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी अगर तीनों में से किसी को सबसे पहले चूज करना है तो अरविंद को ही चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर हमें ऊपर के अंदर प्रेजेंट लेवल से 500 तक का मूव देखने को मिल सकता है, यानी 10% का अपसाइड मूव आप मान के चले अरविंद के अंदर इमीडिएटली देखने को मिलेगा, और फिर शायद हो सकता है कि हमें और भी अच्छा एक्सटेंडेड मूव देखने को मिले। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद, रेमंड और सेंचुरी तीनों ही स्टॉक एक बार रखने चाहिए, और प्रेजेंट लेवल्स पे तीनों में से कोई सबसे पहले सिलेक्ट करना है तो अरविंद को बाइंग कर लेनी चाहिए 500 के टारगेट्स के लिए। 500 का टारगेट, ओके। हाँ, मोमेंटम प्ले ऑफ कोर्स है। पीवीआर में मैं देख रही हूँ प्राइस एक्शन अब धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 1% पर आ गया है। कुणाल जी का पिक है। हाँ, तो वो ही मैं, कुणाल अब क्या करंट लेवल्स पे आप कहेंगे और तेजी की जा सकती है और खरीदेंगे? बिल्कुल हर्षिता, मुझे लगता है कि इसमें आज एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पे 1540-1550 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो डेफिनेटली बहुत अग्रेसिवली बाय करना चाहिए। एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर नजर आता है, और जैसे आपने कहा कि इसमें ओपन इंटरेस्ट का भी एडिशन बहुत अच्छा हुआ है, तो मुझे लगता है 1540 आते हुए इसमें देर नहीं लगेगी। अगले साहब, आपको तो मूवियों से बहुत प्रेम है, ये स्टॉक भी आपको अच्छा लगता है क्या? और ये बताइए, टाइगर जिंदा है, देख ली आपने? अभी नहीं देखी, बाकी है? नहीं नहीं, मैंने वो 27 को ही देखी थी। अच्छा, हाँ, सलमान भाई ने बोला मिल लो तो मिलना, तो जन्मदिन पर। हाँ, जन्मदिन पर, ठीक है। और PVR? और सॉरी, अगर कमेंट इस पे कर दूं, हाँ, तो कुणाल जो कह रहा है मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एक काइंड ऑफ अ राउंडिंग या इनवर्स हेड एंड शोल्डर से ये निकल रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि ये सूनर देन लेटर 1600 के पार जाना चाहिए। मैं ये जैन फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूँ, और ये एक मतलब एक
30-40 रुपए का रिस्क, 100-120 रुपए का रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप एक दो हफ्ते के व्यू से बनता है। तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पर, जबरदस्त तेजी, कुणाल जी का पिक और वागले साहब का जो है मोहर इस पर लगती हुई नजर आ रही है, अच्छी तेजी बन रही है। और सुमित जो कह रहे थे हेविल्स और वोल्टास, इन पर भी नजर रखिए, ये दोनों शेयर चल नहीं रहे हैं। देखिए बाजार में रिकवरी है लेकिन ये दोनों शेयर ठंडे कारोबार करते हुए लाल निशान के साथ इस समय ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार जेट को भी देखते हैं, जेट में भी कुछ खराब खबरें थी। देखिए 1% नीचे ये शेयर खुला है, रिपोर्ट्स थी कि किसी कर्मचारी के पास कुछ फॉरेन करेंसी पाई गई थी और इस खबरों के चलते, इन रिपोर्ट्स के चलते देखिए ये स्टॉक करीब 1% नीचे कारोबार कर रहा है। सपोर्ट कहाँ है बागले साहब इस स्टॉक के लिए बताइए, हालांकि लॉन्ग टर्म में तो बुलिश है और किसी कर्मचारी ने अगर कोई खराब काम किया है तो फिर जेट एयरवेज एक्शन तो लेगा थोड़ा बहुत तो करेक्ट होगा, लेकिन खरीदारी करने का सही लेवल मिलेगा क्या लोगों को? ये इनफैक्ट आज का चौथा दिन है कि ये स्टॉक एक 880 के लेवल जाकर दो बार नीचे आया है, तो ये सिर्फ कारण है मैं समझता हूँ, सही है, और हमको टेक्निकल्स में कारण से कोई मतलब नहीं बनता है। करेक्ट मूव आप जो बोल रहे हो बिल्कुल आ सकती है 840 टू 820 तक, मतलब यहाँ से भी 40 रुपया 3-4% डाउनसाइड हो सकता है। तो अगर बाय करना है पोजिशनल तौर पे तो जल्दी ना करे, वो लेवल पे सोचे, और 780 का स्टॉप लॉस और वो 4 digit का वो टारगेट तो अभी भी बरकरार है। ठीक है श्री, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस स्टॉक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे, और याद रखिए ये को सेठी साहब ने सुझाया था कुछ ही देर पहले, इस पर सुमित आप अपनी राय दीजिए क्योंकि 3% का देखिए मोमेंटम है लेकिन ओपन इंटरेस्ट में इतना एडिशन नहीं हो रहा है जितना प्राइस एक्शन में देखा जा रहा है, तो क्या बहुत ही टेम्पर्ड ग्रोथ रहेगी, यानी कि क्या अटकेगा करंट लेवल्स के आसपास? शायद अटक सकता है क्योंकि ये स्टॉक का 200 DMA में भी यही कहीं पे आ रहा है 106-107 के आसपास, और ऐसा ही इंट्रा के अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस भी है 109-110 के आसपास। आई थिंक जब तक ये लेवल्स कन्विंसिंगली ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता इन लेवल्स के ऊपर, तब तक एक बार थोड़ा सा फ्रेश मोमेंटम कम देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वेट एंड वॉच करें स्टॉक का, नो डाउट नीचे में सपोर्ट जरूर मिला है 97-98 लेवल्स के आसपास, वहां से ये पुलबैक दिखा रहा है, ये पुलबैक तेजी में कन्वर्ट तभी होगा जब ये 109-110 के ऊपर कन्विंसिंगली विद वॉल्यूम्स ब्रेकआउट देगा। वॉल्यूम देखने को अभी तक इतना नहीं मिल रहा है, मेरे ख्याल से वॉल्यूम और इसमें बढ़ने दीजिए, उसके बाद हमको इसमें फ्रेश मूव का ट्रिगर पता चलेगा। फिलहाल इमीडिएट रेंज मान के चले 98-99 नीचे में, 108-110 ऊपर में, 108-110 के लेवल ऊपर में ब्रेक होंगे उसके बाद हमें स्टॉक के अंदर 125 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल ये स्टॉक में चढ़ के बाइंग ना करें, एक बार अवॉइड करें। अच्छा हेविल्स, ये जो अभी कुछ देर पहले सुमित कह रहे थे, बागले साहब आपने कुणाल जी के PVR पर तो मोहर लगा दी है, हेवेल्स भी आपको कमजोर लग रहा है क्या, और क्या इसको बेचना चाहिए? आज ये और नीचे मिल सकता है 1% देखिए कमजोरी के साथ इस समय कारोबार कर रहा है, इस पर व्यू दीजिए। एक्चुअली ये करंट लेवल है जहां पर 555 वहां पर एक सपोर्ट है, जैन फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेचना है तो मैं 560-562 ये लेवल पे बाउंस बैक पे बेचूंगा। करंटली आई थिंक 557 है, या तो फिर 553 टूटने के बाद बेचे, फिर मैं समझता हूँ 540 तक द फॉल कैन कंटिन्यू, मतलब 553 आए तो बेच दीजिए। वाह ये राय है, 553 टूटे तो बेच दीजिए, टूटे तो मतलब निकले नीचे, इसके नीचे और पहुंचे तो बेचिए, 560-62 के आसपास बेचिए और फिर 566 का स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट चलिए तो हेवल्स पर ये राय निकल कर आती है। और हेमंत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां स्क्रीन पर लेकर आते हैं, दीवान हाउसिंग, रेपको होम फाइनेंस, क्योंकि उस मूडीज की खबर पर का ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखा जा रहा है। दीवान हाउसिंग तो वैसे भी बागले साहब कह रहे थे एक मोमेंटम प्ले है, तेजी करके चले 626 के आसपास ट्रेड करता हुआ। रेपको, PNB हाउसिंग, ये सारे स्टॉक्स कल भी एक्टिव थे, आज भी देखिए यहाँ पर चाल निश्चित लेवल से थोड़ी सी बेहतर होने की कोशिश बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मूडीज ने जो इनफैक्ट चेतावनी दी है या फिर रेड फ्लैग वाली रिपोर्ट निकाली है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा जा रहा है दिग्गजों में, खास तौर से दिग्गज स्टॉक्स में इसका इम्पैक्ट नहीं है। जैसे केकी मिस्त्री साहब भी कह रहे थे एसेट क्वालिटी अगर बिगड़ेगी तो शायद छोटे प्लेयर्स की बिगड़ सकती है, बिग बॉयज में चिंता की वजह नहीं है। तो DHFL उस लिहाज से आउट परफॉर्म करता हुआ। बागे साहब आपने क्या टारगेट दिया था DHFL का? DHFL पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि काफी मोमेंटम लौट रहा है, तो क्या लेवल्स क्या होंगे इसमें? मेरा LIC हाउसिंग का 597 का टारगेट है और करंटली 586 बिल्कुल आ सकता है, ये गिरा नहीं है, स्टॉक साइडवेज है। ठीक है,
तो मेरा ट्रेड सेटअप अभी भी वैलिड है, 576 के स्टॉप लॉस से बाय करें, टारगेट होगा 597। और मेरा नजर वापस टेक्सटाइल शेयरों पर ही जा रही है। और अरविंद देखिए, अब एफएनओ में टॉप 3 गेनर्स में अपना नाम दर्ज करा चुका है, 400 डेज हाई पर, 466 पर, जहां से बात करी हम लोगों ने वो बढ़ता ही जा रहा है। 470-72 का आपका टारगेट था वागले साहब, उसको हासिल करता हुआ। रेमंड पर भी नजर डालिए, देखिए ओपन इंटरेस्ट आज टेक्सटाइल शेयरों में कुछ हो रहा है, पता नहीं खबर क्या है, लेकिन टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। रेमंड के लिए कोई टारगेट देना चाहेंगे इंट्राडे में? हेमंत, आपने अरविंद एकदम बिल्कुल सही टाइम पे स्पॉट किया था। रेमंड भी आई थिंक ये टाइम सही है, मुंह निकल कर 2% 2.5% ही ऊपर है। मैं थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस दूंगा, पोजिशनल व्यू 1105 का स्टॉप लॉस होगा ये जैन फ्यूचर्स के लेवल से, और 1170 तक के मुझे टारगेट्स 2-3 दिन में दिखते हैं। सुमित जी, रेमंड तीनों ही चल रहे हैं, आपको भी अरविंद पसंद था थोड़ी देर पहले, रेमंड भी पसंद है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तीनों ही स्टॉक मैंने जैसे पहले भी कहा, रेमंड, अरविंद और सेंचुरी, ये तीनों ही स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है और ये स्टॉक वन वे तेजी के अंदर ही चल रहे हैं। छोटी सी जब भी कोई हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, उसके बाद उससे बड़ी स्पीड से हमको तेजी में ये स्टॉक का मूव देखने को मिलता है। अरविंद हमने ऑलरेडी बाय के लिए दे दिया है, रेमंड और सेंचुरी इन दोनों में भी बाइंग ही बनती है। रेमंड जब से 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम तेजी का ही बरकरार है। अभी ये 1120 के आसपास आ चुका है, यहां से इमीडिएटली आप मान के चले 50-80 रुपए की तेजी ट्रेडिंग के लिहाज से, यानी 1180 और शायद 1200 तक के लेवल्स हमको रेमंड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल स्पेस में ये तीनों ही स्टॉक के अंदर बाइंग में रहना चाहिए। देखिए रेमंड में तेजी बनती हुई, जेट एयरवेज जब 1.25% नीचे था तब हम कह रहे थे कि ये खराब खबर आई है, और ये देखिए और नीचे आ सकता है, 2.5% नीचे हो गया है जेट एयरवेज का शेयर इस खराब खबर के चलते। आप देखिए एडीएजी पैक कमजोर है, वो खाड में तो चलिए एफएनओ के बैन में पहुंच गया है, तो फिर इसमें गिरावट होनी थी, और हम कल भी बता रहे थे जितनी तेजी हो रही है ये एफएनओ के बैन, एक ही दिन इसमें तेजी होती है और उसी दिन ये बैन में पहुंच जाता है, और ऐसा ही हाल कुछ और फोर्टिस जैसे स्टॉक्स में भी होता है, एक ही दिन में तेजी होती है और एफएनओ के बैन में पहुंच जाता है, उसके बाद सुस्ताते रहते हैं, वही हाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जेट एयरवेज देखिए, कुणाल की राय ले लेते हैं, जेट पर क्या कहेंगे कुणाल, शॉर्ट करें? देखिए कमजोर हो गया है काउंटर, अगर आप देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर, मुझे लगता है कि गिरावट कुछ गहराएगी, 820 मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट एरिया है, तो वहां की तरफ ये काउंटर बढ़ रहा है, शॉर्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसमें 855 के आसपास रखें, पहला टारगेट मुझे लगता है कि 825 का। कुणाल एक और स्टॉक है जो ट्रेडर्स को पसंद आता है, वो है पीसी ज्वेलर, 509-510 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और इसमें ओपन इंटरेस्ट करीब 4-4.5% बढ़ गया है, फिलहाल तो ये 1% ऊपर है, क्या यहाँ से और भागने की क्षमता रखता है या नहीं? देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि लगातार कई दिनों से, मतलब अगर आप काउंट करें तो लगभग 7 या 8 सेशन ऐसे हो गए हैं जिसमें लगातार इस काउंटर ने स्ट्रेंथ दिखाई है, मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे, 525-530 के लेवल्स आ सकते हैं इंट्राडे की बात करें तो, और इसमें स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 500 के आसपास रखें, और मुझे लगता है लॉन्ग पोजिशन पर ही बने रहना चाहिए, पीसी ज्वेलर्स में बहुत ही फियर्स मोमेंटम है। पीसी ज्वेलर्स, टाइटन, इन दोनों स्टॉक्स ने कल भी नए 52 वीक्स हाइज को छुआ, और आज भी देखिए खुलते ही नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पीसी ज्वेलर्स, टाइटन जैसे स्टॉक्स पहुंचते हुए, तो ज्वेलरी सेक्टर की चमक बरकरार है, लगता है लोग कपड़े ले रहे हैं और ज्वेलरी खरीद रहे हैं क्योंकि या फिर बजट में कुछ निकल कर आएगा। बिल्कुल, दोनों सेक्टर्स के लिए है ना, देखिए क्या तेजी बन रही है, अरविंद, रेमंड, पीसी ज्वेलर्स, कंजम्पशन वाले स्टॉक्स, तो सुमित जी सूट कौन सी कंपनी का पहनते हैं और ज्वेलरी हाल फिलहाल आपने खरीदी है क्या, किस ब्रांड से, बताइए आपको क्या पसंद है ज्वेलरी सेक्टर में? आई थिंक देखिए ज्वेलरी सेक्टर एक अच्छा खासा चमक दिखा रहा है, चाहे फिर वो पीसी ज्वेलर हो या फिर टीपीजेड हो या फिर टाइटन हो, मेरे ख्याल से टाइटन एक सदाबहार स्टॉक टाइप है, ये स्टॉक के अंदर हमेशा बाइंग में ही रहना चाहिए, ये स्टॉक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक भी है, ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है, आई थिंक ऊपर में ये स्टॉक में हमें 4 डिजिट के फिगर्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से टाइटन के अंदर एक तो बाइंग में रहे, 920-925 के आसपास के लेवल्स है, 980 से 1000 के लेवल्स हमको इमीडिएटली देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ पीसी ज्वेलर्स के अंदर एक मोमेंटम अभी देखने को मिल रहा है, तो 540 से 550 के टारगेट पीसी ज्वेलर के लिए भी मान के चले। ओके, ये पीसी ज्वेलर पर राय, एवर रेडी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक, 3 ब्लॉक डील्स होती हुई, 444 पर एक ब्लॉक हुआ है, 445 पर 2 ब्लॉक्स हुए हैं, और स्टॉक देखिए 3-3.5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। वागले साहब,
क्या और तेजी बढ़ेगी? थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, इतना क्लैरिटी है, प्राइस में ब्रेकआउट आया है बट फाइनेंशियल्स मैच नहीं होंगे। अभी मैं 450 के स्टॉप लॉस से बाय दूं वो मतलब नहीं बनता है। अच्छा बाप, कोल इंडिया के लिए जल्दी से रिवाइज स्टॉप लॉस दे दीजिए, क्योंकि ये जो तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, देखिए सुबह खुला 305 के आसपास, नीचे आया और अब 307 का भाव, तो काफी दिनों के बाद 300 रुपए के ऊपर ट्रेड करना इसने स्टार्ट कर दिया है और क्या तेजी देखने को मिली है। और सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है, इसलिए ये बताइए स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की तरफ रिवाइज कर दिया जाए। 283 का आपने सुबह सुबह दिया था, मैंने नोट कर लिया है, अब ये कितना ऊपर की तरफ रिवाइज करेंगे? हमने कल भी ये स्टॉक में कमेंट लिया था और 310-315 के मेरे टारगेट्स मैं मेंटेन करता हूं, आई थिंक आए गए 310-311 हुआ। नाउ आज के क्लोजिंग के लिए वेट करना होगा, 320 के पार निकलता है फिर मैं 330 तक के टारगेट्स ये करूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले और अभी स्टॉप लॉस आपको 299 ट्रेल कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा स्टॉप लॉस रिवाइज करने का तरीका बढ़िया है कि ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहे, प्रोटेक्ट होता रहेगा मुनाफा। इनफैक्ट इस स्टॉक में भी आज करीब 3-4 ब्लॉक्स हुए हैं, उस लिहाज से भी एक्टिव होता है और ऑफकोर्स हमारी खबर का असर भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार आप देखेंगे थोड़ा सा सेंसेक्स निफ्टी के लेवल पर थोड़ा सा फीकापन देखने को मिल रहा है, हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देखी गई है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है। लेकिन यहां से आगे बाजार खासकर अगर 20 सालों की बात करें तो पिछले 20 सालों से काफी बेहतर प्रदर्शन बाजार का दिखाएगा देखने को मिलेगा और इस दौरान निवेशकों को काफी मौके भी मिलेंगे, ये कहना है दिग्गज निवेशक रमेश दमानी का। सीएनबीसी आवाज के 13th बर्थडे के मौके पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल सिंघवी से खास बातचीत में दमानी ने बाजार पर भरोसा जताते हुए कहा है कि अभी मंदी के संकेत फिलहाल नहीं है और उनका करीब 97% पैसा अभी भी इक्विटी में ही लगा हुआ है। इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज मना रहा है अपने 13 साल, जी हाँ 13वीं बर्थडे, और ये एकदम खास है। खास इसलिए कि कहते हैं ना कि 13 साल के बाद आप बचपन से जवानी में आते हैं और जवानी में आते ही जोश भी बढ़ता है, होश भी आता है और साथ ही कुछ नई उमंग, नई उत्साह भी होती है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि जोश बरकरार रहे, दिशा सही मिले और ऐसे में दिशा सही लेने के लिए आपको सही गाइड, सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है और एक ऐसे ही मार्गदर्शक आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिन्होंने पिछले 13 साल में सीएनबीसी आवाज का भरपूर साथ दिया, जिनकी हिंदुस्तान के बाजारों पर गहरी पकड़ है और दुनिया भर की इकोनॉमी पर भी पैनी नजर है, जो स्टॉक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन मैक्रो फैक्टर्स को भी उतनी ही बखूबी जानते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स हो या फिर HNIs, छोटे स्टॉक्स हो या फिर दिग्गज, सब पर गहरी पकड़ रखने वाले हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट रमेश दमानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दमानी साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मौके पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। अनिल जी थैंक यू, बहुत अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू फॉर दैट। और आपकी 13वीं साल की सालगिरह पे मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आपको। दमानी साहब जनरली मैं ये देखता हूँ कि कई लोग जो बड़े FIs में काम काज करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हो जाते हैं, खासतौर से अगर विदेशों में पढ़ कर आते हैं, वहाँ काम करके आते हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि ठीक है हमारा काम थोड़ी रिटेल इन्वेस्टर से बात करना है या उन्हें गाइड करना, लेकिन आपकी बात अलग है। आपको जब जब हमने पिछले 13 साल में याद किया आप हमेशा आए, चाहे वो इन्वेस्टर महाकुंभ रहे हों, दिवाली के स्पेशल शोज हों, नए साल के बजट पर आपने हमेशा गाइडेंस दिया, तो एक बार फिर से रियली दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू। जो भी कंट्री का शेयर बाजार है उसकी बुनियाद रिटेल इन्वेस्टर्स होती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो एक ऐसी पोजीशन में हो वो रिटेल इन्वेस्टर को एजुकेट करे, इन्फॉर्म करे। सो अनिल जी इट्स नॉट ओनली अ प्लेजर, इट्स ऑल्सो प्रिविलेज फॉर मी टू कम ऑन योर एयरवेव्स एंड स्पीक अबाउट समथिंग जो मैं इतना पैशनेट हूँ, विच इज द स्टॉक मार्केट। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब 2005 में हमने शुरुआत की थी जी, और 2005 से अब तक मैं देख रहा था कुछ आंकड़े दमानी साहब, तो सेंसेक्स 4 गुना हो गया, ठीक है निफ्टी 4 गुना हो गया 2005 से अब तक। अब यह आंकड़े आपके लिए तो बड़े छोटे हैं, क्योंकि मैं अभी एक आंकड़ा और देख रहा था पिछले साल ही, वो कंपनी लिस्ट हुई जिसके आप चेयरमैन हैं, डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट, लिस्टिंग प्राइस इशू प्राइस से 4 गुना होगी, तो आपके स्टॉक तो एक ही साल में 4 गुना हो जाते हैं। लेकिन हाँ पिछले 13 साल में जो इतिहास रहा है बाजार का बहुत ही बेहतरीन रहा है,
एक सबसे पहले तो सवाल मेरा ये बनता है कि अगले 13 साल के लिए आउटलुक कैसा है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि ये लंबे 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 समय वाला बुल रन है हिंदुस्तान का, तो कहाँ हैं हम और आगे 13 साल कैसे निकलेंगे? अनिल जी, इट्स एक्सलेंट क्वेश्चन. ऑब्वियसली मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक चीज़ बताता हूँ. जब मैं आया था 89 में, इंडेक्स था 800, अभी 3400 के ऊपर है, 34,000 के ऊपर है. सो आई एम सेइंग दैट लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडेक्स इज 13-16% कंपाउंडेड विदाउट डिविडेंड्स. ओके, एंड आई डोंट सी एनी रीजन फॉर दैट टू चेंज, बिकॉज India is going through a very interesting phase in its growth prospects out there. India is, you know, currently, I think Nita Ambani ji ne kaha tha ki India is known as a third world economy, but now she said we have become the world's third largest economy, or well on the way to being the third largest economy. So I think that we are today the fifth or sixth largest economy. So that journey from 6 to 3 is going to be an enormously exciting journey. और जो आप बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स समझ गए हैं, दैट्स वाई दे पोरिंग मनी इनटू द मार्केट, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रेट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया. एंड आई थिंक ऐसी मेरे ख्याल से ऊपर नीचे चढ़ाव उतार तो आते ही रहते हैं, कोई भी बाजार में कभी भी आते रहते हैं, बट दैट इज वॉट इज कॉल्ड वॉलिटिलिटी. जी, द रिस्क जो बोलते हैं, द रिस्क इज नॉट बींग इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज द काइंड ऑफ रिटर्न जो 2017 में जो हम लोग को रिटर्न मिले, BSE 500 वॉज अप आई थिंक 38-40%. Correct. That जो you know वाइन में बोलते हैं ना, वो एक विंटेज ईयर बोलते हैं, लाइक 2000 वॉज विंटेज ईयर फॉर वाइन. राइट, द बोर्डो वाइन वॉज नेवर बीन बेटर. 2017 वॉज सच ए विंटेज ईयर, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर ग्लोबल स्टॉक मार्केट. सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट. एंड आई एम होपफुल दैट वाइल द मार्केट विल बी वॉलेटाइल, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट, बट वी आर ऑन द राइट ट्रेजेक्ट्री. एंड जो बुल मार्केट खत्म होने के लक्षण हैं, जो साइंस है, वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूर दूर तक नहीं. हाँ, तो अगर होंगे तो उस टाइम आपका चैनल पे जरूर आके बताएंगे, लेकिन अभी नहीं दिख रहे हैं, तो मौत की क्यों पहले पैगाम लेके आए. बिल्कुल, जब अच्छा है और अच्छे संकेत. जी, जी. आप बता रहे 1989 कब से आपने शुरुआत की? 89 से. मुझे ये बताइए कि 88-89 से लेकर अब तक कोई एक आध बड़ी खास बात बाजार की, क्योंकि वो जमाना ही अलग था, रिंग हुआ करती थी, अलग तरीके से ट्रेड होते थे, ये वो क्या खास बात ऐसी कुछ पुरानी है जो अब बदल गई है, और अब आने वाले 5-10-15 साल में आपको लगता है कुछ और ऐसी बड़ी चीज बदल सकती है हिंदुस्तान के बाजारों में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका हो या ट्रेड करने का तरीका हो, क्या कुछ हो सकता है? सर, जब मैं 89 में आया था, दलाल वाज अ बैक वाटर. इनफैक्ट व्हेन आई केम फ्रॉम अमेरिका, लोग मेरे पे हंस रहे थे, बोले कि वॉल स्ट्रीट छोड़ के तो दलाल स्ट्रीट जा रहा है. बट ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का यही रहस्य है कि चीज़ सस्ती देखनी चाहिए, और वहाँ सस्ती मिल रही थी. बट वो 89 में 1000 का 4000 हो गया इंडेक्स में 92. तो उस टाइम तो मैं इतना बाजार में समझ नहीं थी, तो मैंने पूछा कि भाई, जो मैं दोस्त जो 85 से थे बाजार में, उन्होंने तो काफ़ी पैसा बना लिया था 92 में. आई वॉज स्टिल अ ब्रोकर इन 92. सो आई सेड, आप लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप लोग राइट टाइम पे थे, मुझे कहाँ से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और व्हेन आई लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट, द अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट 20 इयर्स वाज फार ग्रेटर देन इट वाज इन द नेक्स्ट 20 इयर्स. एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन अनिल जी टुडे, दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स इन द नेक्स्ट 20 इयर्स विल बी फार ग्रेटर देन व्हाट वी सॉ इन द नेक्स्ट 20 इयर्स. देयर इज नो रीजन टू गेट डिसहार्टेंड. देयर विल बी लॉट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज कमिंग अप, देयर लॉट ऑफ, इंडिया इज द ओनली कंट्री विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग पीपल, which is what fuels savings, which is what fuels the bull market. So we are have that in place. A lot of new industries are coming to India. A lot of industries that require software, technology, India is good at. So I want to leave your investors with ye jo impression hai ki agla 20 saal mere hisab se pichle 20 saal se kahi better rahega. Iska matlab nahi bazaar nahi ghat sakta, bazaar kal ghat sakta hai, bazaar agle saal ghat sakta hai. But if you find great companies, as we found, for example, in our era, Infosys, right, or in Wipro or Hindustan Lever, there'll be so many great companies coming out of India over the next 10 years. चलिए, तो लंबी स्टोरी तो काफ़ी बेहतरीन है. और आप एक चीज़, अब चूँकि हम 2018 की शुरुआत कर रहे हैं, तो जैसा आपने भी कहा 2018 तो एक एक ऐसा साल था जैसा आप ड्रीम में सोचते हैं कि 2017 माफ कीजिए 2017 ऐसा था कि जो आप सोचें कि ऐसा ही हर साल हो. अब जाहिर सी बात है कि हर साल ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन क्या इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि 2018 में हम 2017 से ऊपर तो होंगे, जब 31 दिसंबर 2018 में होंगे तो? मुझे लग रहा है अनिल जी, मेरा पॉइंट ये है, किसी को पक्का मालूम नहीं कि 2018 में ऊपर होगा नीचे होगा, वी डोंट नो दैट. बट जो भी बुल मार्केट खत्म होता है,
वो कोई साइन दे देता है, बहुत लेवरेज ट्रेड हो जाता है, बहुत पागलपनाई हो रही है, बहुत ख़राब किस्म के IPO आ रहे हैं, काफ़ी कुछ साइंस ऐसे हमको समझ में आने लग जा रहे हैं, या कुछ विश्व में कुछ भयानक घटना हो जाए. वी आर नॉट सीइंग दोज साइंस नाउ. अगर देखेंगे तो वी विल रीवैल्यूएट द सिचुएशन. ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हर साल पॉजिटिव ही रहेगा या हर साल बढ़ेगा. मैं बोल सकता हूँ बट आई ऑल्सो डोंट नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. बट जब भी मार्केट डगमगाता है, व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ शेकिनेस इन द मार्केट, इट सिग्नल्स टू अस एडवांस डिक्लाइन लाइन बहुत खराब हो जाएगी, कोई भी न्यूज आएगी तो शेयर बढ़ेगा नहीं. सो वी विल वॉच फॉर दोज साइंस एंड व्हेन दे आर होपफुली वी कैन रिकॉग्नाइज देम एंड रिपोर्ट देम बैक टू यू. फॉर राइट नाउ आई कैन ओनली टेल यू ऑन माय ओन पर्सनल पोर्टफोलियो, आई एम ऑलमोस्ट 97% इन्वेस्टेड इन इक्विटीज एंड आई हैव बीन फुली इन्वेस्टेड फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स. सो दैट इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस. आई एम पुटिंग माय वॉलेट वेयर माय इंटरेस्ट आर. If it changes, and it can change, hopefully we have the wherewithal to explain it then. बड़ा ट्रिगर अब सामने बजट है सर. हाँ जी. हर बार बजट के पहले एक ही डर लगता है कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना आ जाए. इस बार भी डर वही है. फिर बजट के बाद नहीं आता तो हमें लगता है बजट बहुत अच्छा था, तो इस बार भी ऐसे ही होने वाला है. शायद. देखिए बजट में आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की रौनक नहीं रहेगी बिकॉज दैट्स ऑल कंज्यूम्ड बाई GST. सो देयर इज नॉट मच चेंज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है फॉर एग्जाम्पल एनी अदर टैक्स रेट, दैट ग्लोबली द ग्लाइड पाथ इज लोअर नॉट हायर, सो दैट कांट अफेक्ट द मार्केट. सो द ओनली लीवर दैट द गवर्नमेंट हैज टू रेज रेट्स इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेस. उसमें मैं अपनी टिप्पणी देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री किया टू इनकरेज पीपल टू कम, टू इनकरेज द स्मॉल इन्वेस्टर्स टू कम टू द स्टॉक मार्केट, पुट रिस्क कैपिटल सो इंडस्ट्रीज कुड हैव कैपिटल अवेलेबल टू देम. तो हो चुका है अभी. आपको मालूम है रिटेल इन्वेस्टर्स हैव कम, मार्केट्स हैव डन वेल, दे मेड मनी. सो जस्ट बिकॉज दे हैव कम यू डोंट टेक इट अवे, यू वांट टू इनकरेज देम कि भाई अभी 300 पीपल हैव डीमैट अकाउंट्स, लेट्स मेक इट 6 in 100. इफ यू कीप मेकिंग मनी दे विल ऑल कम. अल्टीमेटली इंडिया विल बी अ बिग पूल ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल. दूसरा जो STT है दैट रेजेज 8,000 to 10,000 crore rupees a ईयर. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इफ यू गो बाय द इनकम टैक्स ओन डेटा इज नॉट दैट लुक्रेटिव because people don't necessarily hold it for such right. long term. So while there is some logic that long term capital gains should pay, we are already paying through STT. Okay, it's a very serious tax, very efficient tax, and big amount has been collected. So I think rather than government jo abhi itna aapne aapko disinvestment karna hai 50,000 crore lakh crore ka, you want a buoyant market. So perhaps it's not the best time to reintroduce long term capital gains. और क्या कुछ हो सकता है बजट में, या क्या कुछ सरकार को करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मेरे ख्याल से मोदी सरकार का फिर अगले साल इलेक्शन नज़दीक आ जाएगा, फुल फ्लेज बजट होगा, तो जो कुछ बड़ा एक्शन करना है अभी करना है. आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास बजट में चेंज आएंगे. द बजट डेफिसिट हैज बीन सिग्नल टू बी 3.2%, दैट इज बीन वेल सिग्नल. दे डोंट टू ब्रीच द फिस्कल डेफिसिट. देर विल बी मोर प्रोग्राम्स फॉर रूरल, मोर प्रोग्राम्स फॉर फर्टिलाइजर्स, ऑल दिस. But the thing to watch in all this is housing. I think jo housing ke jo incentives government de rahi hai, Prime Minister Modi, Honorable Prime Minister Modi was very influenced by the Singapore development model. Okay. And Singapore grew by doing public housing. And I think a large way he's following that model. Achha. Out there. So housing related companies, housing finance companies, which have been leading this bull market, will probably continue to have a very good year. बाजार में जो हल्की मुनाफा वसूली देखी थी उससे कुछ रिकवर करने की पूरी कोशिश, और 10,621 के आसपास इस समय मार्केट कारोबार करता हुआ. या एक बार भी 10,600 के नीचे नहीं ट्रेड कर रहे तो बुल्स का कॉन्फिडेंस है बरकरार, कंसोलिडेशन हो रहा है भारतीय बाजारों में. चलिए इस नोट पर हर्षदा और मुझे दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार का हाल, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी दीपाली. हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.